का हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप देश विदेश सब जगह गए हैं, लेकिन एक वो बड़ी अहम जगह है जहां पे सारे नेता अभिनेता मिलते हैं, नेता मिलते हैं अधिकतर, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो तस्वीर लगी है, जो प्रतिमा लगी है, वो लगी है गौतम बुद्ध की। 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर क्यों लगाई सिर्फ महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा, वो बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, मगर हम बुद्ध को महात्मा नहीं कहते हैं जी। दूसरा ये है कि ये राष्ट्रपति भवन जी। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा जी। कि इसका जो ऊपर गुंबद बना हुआ है, डेट इज ए एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ सांची स्तूपा जी। जो सांची स्तूप है जी। भोपाल के पास में जी। उसका जो मेन स्तूप है उसकी ट्रू कॉपी है ये जी। तो ये जो सारा आर्ट है राष्ट्रपति भवन का, वो बुद्धिस्ट आर्ट है जी। एक बात तो ये है। दूसरा, भगवान बुद्ध की ये जो प्रतिमा अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी, मगर देश जब स्वतंत्र हुआ है तब ये अगर लगी है तो वो इसलिए लगी है कि बुद्ध किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं जी। बुद्ध जिस धर्म की बात करते हैं वो प्राकृतिक धर्म है जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जी। अब जो प्राकृतिक नियम क्या होता है, किसी को आपने चाकू चुभोया तो उसको चुभन महसूस होगी ना, तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी कत का हो, तो वो तो सब पर होगी। तो ये जो प्राकृतिक नियम है, बुद्ध ने अपने धम्म का आधार उनको बनाया। तो बुद्ध का जो कोई भी सिद्धांत है वो सब लोगों पर लागू होता है। जितने सेकुलर बुद्ध हैं इतना कोई नहीं है। बुद्ध जब कहते हैं मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, तो वो तो हर एक व्यक्ति पे कानून लागू होता है ना। दुनिया की कोई भी सरकार ले लो, सबने किसी की हत्या करने के विरोध में कानून बना रखे, दंड निर्धारित कर रखे हैं। बुद्ध जब कहते हैं कि मैं कटु वचन नहीं बोलूंगा, झूठी गवाही नहीं दूंगा, किसी का चुगली चपाटी नहीं करूंगा, तो जबान का दोष है ना जी। तो ये तो बुद्ध जब कहते हैं तो सारे संसार में झूठी गवाही देने के विरोध में दंड निर्धारित है ना जी। किसी को गाली देने के विरोध में, किसी को अपनी जबान के स्वाद के चक्कर में झगड़ा लगाने के लिए दंड निर्धारित है ना। तो बुद्ध के जितने भी नियम है सार्वजनीन है, हर एक व्यक्ति पर लागू होते हैं। इसलिए भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की प्रतिमा को राष्ट्रपति भवन में स्थापित करने का अवसर मिला। किसी ने विरोध नहीं किया, ना किसी धर्म वाले ने, ना किसी पार्टी वाले ने, ना किसी प्रांत वाले ने। जब ये तीन प्रतिमाएं मथुरा के एक कटरे से खुदाई में मिली थी, मकान बन रहा था, मकान बनते बनते जब बुनियाद खोदते खोदते नीचे गए तो उनको कुछ नजर आया, थोड़ा और खोदा तो आकृति नजर आई, और ज्यादा खोदा तो पूरे बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, ये यद्यपि खड़ी हुई है मगर वहां पर जो मिली थी लेटी हुई मिली थी। हमारा मानना यह है कि और तीनों एक जैसी हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब एग्जैक्ट एक जैसी नहीं, एग्जैक्ट तो सांची की होती है, भैया हाथ की बनाई हुई थी। तो ये तीनों मूर्ति जो मिली है, एक राष्ट्रपति भवन में है, एक दिल्ली म्यूजियम में है, और एक कलकत्ता के म्यूजियम में है। तो ये जो प्रतिमा यहाँ लगी है वो इसलिए लगी है कि बुद्ध, सबसे पहली बात तो यह है, सबसे खरे इतिहास पुरुष हैं। और जिन 33 करोड़ देवी देवताओं की आप बात कर रहे हैं ना, ये कंसेप्ट भी बौद्धों से लिया है इन्होंने, क्योंकि बौद्धों में एक शब्द है 33 कोटि देवता। हमारे यहाँ देवता और उनके यहाँ देवता में अंतर है। हम शील सदाचार युक्त व्यक्ति को देव कहते हैं जी। और इनके यहाँ देवता कोई ऐसा है जो आसमान में रहता है, कोई अनर्थ कर सकता है, किसी का फायदा कर सकता है जी। तो ये जो हमारे 33 कोटि देव हैं, जिसको तुष्ट लोक में रहना मानते हैं, वो व्यक्ति को सदाचार के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए कुछ अवधारणाएं घड़ी गई, उन्हीं की नकल करके इन्होंने 33 करोड़ देवी देवता बना लिए। तो वो किसी काम के नहीं है। हमारे बौद्ध धर्म में कोई देवता किसी को देता नहीं है, किसी का नुकसान भी नहीं कर सकता। व्यक्ति अपना लाभ और अपना नुकसान अपने कर्मों से खुद करता है, यही बौद्ध धर्म है जी। किसी से हमारी कोई अपेक्षा नहीं जी। हमें जो मिलेगा इन हाथ का किया हुआ मिलेगा जी। अगर हम अपना खोएंगे तो अपने आचरण के बलबूते पर खोएंगे, अपने दुराचार के बलबूते पर खोएंगे। इसलिए बुद्ध जो बात करते हैं, व्यक्ति के चरित्र निर्माण की बात करते हैं, और जो सबसे ऊंचे चरित्र के व्यक्ति होते हैं उन्हीं को देव कहा गया, देवता कहा गया। अब आप देखेंगे जब भगवान बुद्ध अम्रपाली के अम्बवन में गए और वहां अम्रपाली आकर
उनसे कहते हैं मेरे घर का भोजन स्वीकार कीजिए, कल मैं तो बड़ी धन्य हो गई आप मेरे बगीचे में आए। उन्होंने वो स्वीकार किया, मगर जब वहाँ से वो वापिस आ जाती है उसके बाद में लिच्छवी राजकुमार वहाँ जाते हैं, रास्ते में अम्बपाली को मिले, वो कहते हैं अरे तू इतनी फूली कैसे समा रही है, तेरा रथ तो बड़े तेज जा रहा है, हमारे से टकराते हुए जा रहा है। तो वो कहती है कि मुझे भगवान बुद्ध ने कल मेरे घर का भोजन ग्रहण करना स्वीकार किया, मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि। तो राजकुमार कहते हैं ए अम्बपाली ये निमंत्रण तू हमें दे दे, हम तुझे बहुत भारी इनाम देंगे। वो कहते हो तुम क्या मुझे इनाम दोगे, तुम वैशाली भी मेरे नाम करोगे तो ये निमंत्रण मैं तुम्हें ना दूंगी। तो वो राजकुमार जब बुद्ध के पास जाते हैं, बड़े काम की बात है, जब वो राजकुमार बगीचे में घुसते हैं, अम्बवन में घुसते हैं और बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, तो बुद्ध आनंद को संबोधित करके देखे कहते हैं कि हे आनंद, जिन्होंने देवता ना देखे हो तो देख लो। वो उनको देवता कहते हैं वज्जी राजकुमारों को। कारण क्या है कि जो सात अपरिहार्य कारण हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की कामयाबी के सूत्र होते हैं, वो उनका पालन करते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं ना, वत्सकार को संबोधित करके आनंद को कहते हैं कि जो लोग मिलकर बैठते हैं, मिलकर निर्णय लेते हैं, मिलकर पालन करते हैं, अपनी महिलाओं की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का आदर करते हैं, वो देव पुरुष होते हैं। यह देवता की परिभाषा बुद्ध के अनुसार। तो वो उनको कहते हैं ये देव आ रहे हैं, मगर इनके देवता तो बस पूछो मत, जनता के शोषण का माध्यम। कहते हैं हमारे देव को पूजापा चढ़ाओ तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। बेचारे हमारे गरीब लोग पेट पट्टी बांध कर दो पैसे कमाते हैं और जाकर के जब वो मंदिर में चढ़ाते हैं तो क्या वो देवता हाथ आगे करके उठाता है उसको? नहीं। क्या देवता के बैंक अकाउंट में जाते हैं वो पैसे? नहीं। जाते किसके पास हैं? जो वहां का पुरोहित होता है वो उसी की जेब में जाते हैं। खाने का सामान हो या नगद माल हो, तो ये जो पैसा तो बड़ी गंदी चीज है, क्यों लोग इसको मुंह में भी ले लेते हैं। ये जो बेचारा सुलभ शौचालय वाला है, वो जो अंदर से टॉयलेट कर करके आता है उन्हीं से लेता है ना वो पैसा, तो ये तो गंदी चीज है। आदमी के गंदी जगह भी जाती है, शमशान भूमि में भी जाती है, वहां जाती है, तो ये गंदी चीज तो मंदिर में चढ़ानी चाहिए नहीं। मंदिर में चढ़ाना है और सबसे बड़ा लाभ कमाना है तो पुष्प चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पैसा तो मंदिर में चढ़ाना ही नहीं चाहिए कभी। इससे क्या है, देवता गण नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और फिर अभिशाप दे देते हैं। तो अभिशाप से बचना है तो मंदिर में जाइए, श्रद्धा से जाइए, अंदर जाने दें तो ठीक है, नहीं तो दूर से प्रणाम कीजिए, पर पैसा कभी मत दीजिए, संपत्ति कभी मत दीजिए। उनको क्या दीजिए? पुष्प दीजिए। द्रविड़ भाषा में एक शब्द है पूजा, ये हमारे पाली भाषा में भी जो पूजा आया है या संस्कृत में, ये वहीं से आया है। और उस का अर्थ क्या है पूजा का? पूजा का अर्थ है किसी के सम्मान में पुष्प अर्पित करना। असली सम्मान तो पुष्प अर्पित करने का है ना। ये देवताओं को जो आप पैसे चढ़ाते हैं और गंदगी का प्रतीक चढ़ाते हैं, ये तो पंडितों के घर में जाता है, पुरोहितों के घर में जाता है, और जो भी उसका मालिक है पूजा स्थल का उसके घर में जाता है, और हम ठगे जाते हैं, मिलता हमें कुछ नहीं। अगर किसी देवता से आशीर्वाद के स्वरूप कुछ मिलना है तो भैया अब पहले की तरह नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए अब चेक, हमें चाहिए ड्राफ्ट, हमें चाहिए ट्रांजैक्शन एंट्री चाहिए बैंक में। ऐसे नहीं जाओ, देवता की कृपा हुई तुम्हारा काम चल जाएगा, काम मेरी मेहनत से चल रहा है, श्रेय देवता महाराज को चला गया, ये अब नहीं चलने वाला। तो ये राष्ट्रपति भवन में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जो मूर्ति है, ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में जो आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, वो कहते हैं स्टैंडिंग मास्टरपीस ऑफ बुद्धा, मतलब भगवान बुद्ध की खड़ी हुई सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर प्रतिमा। और ये जो खड़ी है ऐसे हाथ करके, इसे मुद्राओं की श्रेणी में यह हाथ ऐसे किया हुआ आता अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का मतलब क्या है कि बुद्ध के पास जाते हुए भय मत खाना, ये किसी को बद्दुआ नहीं देते, किसी को गाली नहीं देते, किसी को शाप नहीं देते, और कभी भी जाकर इनकी शरण में आप नतमस्तक हो सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। दूसरी जगह सवाल पर प्रतिबंध है। बुद्ध की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आओ और हमसे सवाल करो, और वो सवाल मॉब लिंचिंग से तो वो सवाल करने का काम रोका जाता है ना। ये बुद्ध कहते हैं आओ और मुझसे सवाल करो। एक आया था
ग्रीक का राजा आया था भारतवर्ष में, पिशावर में आया था और वो यहाँ का राजा बन गया। उसने ललकारा के कोई है इस जम्बूद्वीप में तो आके मुझसे तर्क करे, कोई नहीं मिला। तो उसको कहना पड़ा कि इस जम्बूद्वीप की झूठी ख्याति है, यहाँ कोई यहाँ विद्वान ही नहीं है, कोई यहाँ तर्क करने लायक ही नहीं है, ये काहे का जगत गुरु कहलाएगा। तो तब एक बौद्ध भिक्कू भंते नागसेन आए और उन्होंने उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया। और शंकाओं का समाधान कैसा किया कि वो अंत तो गतवा उस भंते नागसेन के महाराजा मिलिंद, जो जिसका नाम तो मिलांडर था, जो ग्रीक का था, और यहां आकर जब उनका शिष्य हुआ तो उसका नाम हो गया मिलिंद, उनके चरणों में पड़ गया और कहने लगा अब मैं जीवन पर्यंत आपका शिष्य बन के रहना चाहता हूं। बुद्ध के शिष्यों ने, बुद्ध ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की बगैर हथियार हाथ में लिए। बुद्ध जो खड़े हैं ना पार्लियामेंट में, वहां राष्ट्रपति भवन, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, उनका सबसे बड़ा हथियार ये है आशीर्वाद की मुद्रा, अब है मुद्रा। मगर बाकी देवताओं को देख लो, हर एक की गोद में कोई महिला बैठी है, हर एक के हाथ में कोई हथियार है, क्या है ये? ये षड्यंत्र है जो आज चल रहा है ना मॉब लिंचिंग, वो भी मॉब लिंचिंग का एक रूप है। हमें इन देवी देवताओं की आज जरूरत नहीं। आज हमारी देवी कौन है? हमारी देवी रमाबाई अंबेडकर, हमारी देवी सावित्री बाई अंबेडकर, हमारी देवी फातिमा बेग, ये हमारी देवी हैं। और देवता कौन है? सबसे बड़े देव, देववादि देव, देवताओं के भी देवता वो बुद्ध हैं, सम्राट अशोक हमारे देवता हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे देवता हैं, कबीर, रैदास, नानक, ये हमारे देवता हैं जो हमें सद्मार्ग देते हैं। और जिस सद्मार्ग पे चलने के बाद हमारे घर में ये सब सुख संपत्ति संपदा आती है। जब इस देश में संविधान लागू नहीं था, जब इस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था, हमारे लोगों के बदन पर लंगोटा भी साबुत नहीं होता था, फटा होता था। तो आज ये अगर स्मृति आई है तो इन नगद देवताओं के माध्यम से आई है, उन 33 करोड़ देवताओं के माध्यम से नहीं आई है। 33 करोड़ देवताओं की चलेगी तो हमारी मार पड़ेगी, हमारी गर्दन काटी जाएगी, हमारी जबान काटी जाएगी, हमारे हाथ काटे जाएंगे। तो ये देवता हमारे काम के नहीं, हमें कुछ देते नहीं, देने वाला देवता होता है ना, हमें कुछ देते नहीं। हाँ, जिनको देते हैं उनके वो देवता हैं, हमारे देवता नहीं हैं। तो आज हमने ये जाना कि राष्ट्रपति भवन में जो भगवान बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति जो मथुरा से मिली थी, उसकी एक विशेषता और बताएं आपको, वो ये है कि जहाँ भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा के पैर हैं, जिस जगह जो उनका लेवल है, और बाहर जो इंडिया गेट बना हुआ है उसका जो टॉप है, इन दोनों का लेवल एक है, इन दोनों का लेवल एक है। ये जो आर्किटेक्चर इन लोगों ने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बड़ा सोच समझ करके बनाया था। तो आओ आज हम भारतवर्ष के सबसे बड़े देवता, भारतवर्ष के सबसे बड़े देववादी देव भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। मैं SM न्यूज TV के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे अच्छे विषय पर मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सर।